श्रीमद् भागवतम में भगवत कथा के साथ साथ फिलॉसफी है, दर्शन है, बीच में प्रश्न किया जाता है। महाराज परीक्षित बारंबार प्रश्न किए। भागवत ऐसी कथा नहीं है कि बस चालू कर दिया, वक्ता और श्रोता बस सुनते जा रहे हैं, सोए चाहे कुछ भी हो वो सुनते जाते। जैसे हम देखे हैं हमारे गांव में कुछ सत्यनारायण भगवान की कथा चलती है और सुनने वाली स्त्रियां होती हैं, माता जी लोग होती हैं सुनने वाली, और कुछ नहीं सुनती हैं, वो संस्कृत में पंडित जी पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं। जब शंख बजता है तब उनकी नींद खुलती है सुनने वालों, और गिनती जाती है कि कितने बार शंख बजाया गया, और 5 बार बज गया बस बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रसाद बांटो हो गई कथा। और हर एक पूर्णमासी को, हर एक पूर्णिमा को कथा होती रहती। तो श्रीमद् भागवतम की कथा ऐसी नहीं है, इसमें बीच बीच में जिज्ञासा है, इंक्वायरी है। महाराज परीक्षित भागवत कथा का अभिनंदन करते हुए कहते हैं, राजोवाच, जेन जेन अवतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी च न प्रभो। सुखदेव गोस्वामी को प्रभु संबोधित कर रहे हैं, हे प्रभो, हे समर्थ, हे कृष्ण कथा के मर्मज्ञ। भगवान श्री कृष्ण अपने जिन जिन अवतारों में, जेन जेन अवतारेण जिस जिस अवतार में जो जो भी लीला करते हैं, वे लीलाएं कर्ण रम्याणी, कान को सुख देने वाली होती हैं, और मनोज्ञानी च, और मन में भी बड़ा प्रीति उत्पन्न करती हैं, प्रसन्नता उत्पन्न करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कान के लिए और हृदय के लिए बहुत सुंदर। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि हमको प्रिय शब्द सुनने को मिले, और उन शब्दों का प्रिय अर्थ जब विचार करता है मन में, तो उसका मन सुख में डूब जाता है, सुख प्राप्त करता है। तो शब्द से कानों को सुख देती हैं लीलाएं, और अर्थ से मन को सुख देती है। इसमें महाराज परीक्षित कृष्ण लीला को कर्ण रम्य और मनोज्ञ कह रहे हैं। मनोज्ञ का अर्थ